अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे आप सब ठीक है? मैंने अभी डलवा लिया पीएसओ पेट्रोल पंप से पेट्रोल और अभी मैं आपको लेकर जा रहा हूँ यहाँ से मोर इमनाबाद रेलवे स्टेशन। तो चलते हैं आपके साथ मोर इमनाबाद रेलवे स्टेशन। तो आपको जाके मोर इमनाबाद रेलवे स्टेशन में दिखाता हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर है, 10 मिनट तक मैं रेलवे स्टेशन पहुँच जाऊँगा। तो अभी आपसे मुलाकात होती है रेलवे स्टेशन पहुँच के मोर इमनाबाद के। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ मोर इमनाबाद के रेलवे स्टेशन पर। आए इधर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं मस्जिद। तो अभी आ गया हूँ मोर इमनाबाद के रेलवे स्टेशन पर, आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और ये देखें जी, वाह ब्यूटीफुल। ये जो रेलवे स्टेशन है ये पुराना रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टिकट घर है, लेकिन अभी बंद है यहाँ पे क्योंकि अभी यहाँ पे ट्रेन नहीं आती कोई भी। और आपको ये जो पैसेंजर ट्रेन चलती थी लाहौर से वज़ीराबाद और वज़ीराबाद से लाहौर, उसका किराया नामा लिखा हुआ यहाँ पे, काफ़ी पुराना ये। और गुजरांवाला का जो पहला किराया था वो 20 रुपये था, छावनी का 30 रुपये, गखर मंडी 30 और वज़ीराबाद का 60 रुपये हुआ करता था। दोहों कल वो आगे विलेज है उसका 50 था। कामों की मरीद के शदराबाग और लाहौर इसका जो स्टेशन थे वो वहाँ पर ट्रेन रुकती थी। तो ये टिकट घर है, आप देख सकते हैं यहाँ से जो टिकटें पहले मिला करती थी लेकिन अभी ये बंद है। और ये जो आप जगह देख रहे हैं ये माशाल्लाह नमाज़ पढ़ने के लिए जगह बनाई हुई है, मस्जिद उन्होंने छोटी सी। और यहाँ पे काफ़ी हरियाली यहाँ पे की हुई है स्टेशन पे और बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया गया। बड़ा अच्छा प्यारा रेलवे स्टेशन है यहाँ का, आप अभी जो देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, ब्यूटीफुल। हाँ, मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ मोर इमनाबाद के रेलवे स्टेशन पे। तो काफ़ी अच्छा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, प्यारा रेलवे स्टेशन है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं रुकती, यहाँ पे अभी कोई ट्रेन स्टॉप नहीं करती। उसकी वजह यह है कि ये जो या तो गुजरांवाला के अंदर है रेलवे स्टेशन, और लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये इसका प्लेटफार्म है। मैं अभी आपको बताता हूँ यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो ट्रेन रुका करती थी वो ट्रेन थी बाबू पैसेंजर, जो आती थी वज़ीराबाद से और लाहौर से, वज़ीराबाद से चलती थी और लाहौर जाती थी और लाहौर से चलती थी और वज़ीराबाद जाती थी, यहाँ पे इसका स्टाफ था। लेकिन अभी यहाँ पे किसी भी ट्रेन का स्टाफ मौजूद नहीं है जो आप अभी देख रहे हैं। और बड़ा अच्छा प्यारा रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, माशाल्लाह हरियाली उन्होंने की हुई है और यहाँ पे जो पौधे हैं वो यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे एक बोर्ड का भी दरख्त है जो पीछे आप देख रहे हैं, देखें तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने वीडियो यूट्यूब के ऊपर क्यों नहीं था लगा रहा, उसकी आपको मैं एक छोटी सी वजह बताता चलूँ कि जो मोबाइल था मैंने वो कर दिया था सेल, और उसके बाद फिर मैंने वीडियो जो लगानी थी वो बंद कर दी थी अपनी। अभी मैं फिर से जो है वो वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मेरे पास मोबाइल है लेकिन उसका रिज़ल्ट अच्छा है। किस लिहाज से, जो मेरे पास इस वक्त मोबाइल है उसका रिज़ल्ट तो थोड़ा कम है, लेकिन जो जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका रिज़ल्ट अच्छा है। और तो मैंने सोचा था कि उसके ऊपर से वीडियो मैं बना के आपको भी दिखाऊँ रेलवे स्टेशन की मोर इमनाबाद, आपको मैं इसकी जो प्लेटफार्म वो भी आपको मैं दिखाता हूँ और मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन भी यहाँ की देते हैं। तो जी, आप देख रहे हैं मोर इमनाबाद का रेलवे स्टेशन और ये प्लेटफार्म है, एक ही प्लेटफार्म है मोर इमनाबाद रेलवे स्टेशन का। और अभी यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं रुकती आके, और काफ़ी प्यारा बनाया गया रेलवे स्टेशन यहाँ पे। और अभी आप ये देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे बोर्ड का भी दरख्त था, तो ये देखे बोर्ड का भी दरख्त यहाँ पे अभी मौजूद है। और शोर से थोड़ा हट के यहाँ पे, क्योंकि ये जीटी रोड के बिल्कुल साथ ही आता है, लेकिन यहाँ पे अभी पुरसकून माहौल जो है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूँ तो आपको दिखाता चलूँ साथ साथ यहाँ पर जो दरख्त हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, छाँव के लिए सायादार जो दरख्त हैं इस वक्त अभी भी मौजूद हैं यहाँ पर। और यहाँ पे ये देखें नलका भी लगा हुआ है। और एक जो पुरसकून रेलवे स्टेशन है वो आप देख रहे हैं, सफाई का यहाँ पे अच्छा ख्याल रखा गया है। यहाँ पे आपको जो है वो गंद वगैरह नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो ये पुराना रेलवे स्टेशन है मोर इमनाबाद का तो अभी अपनी सही हालत में मौजूद है यहाँ पे। तो अभी आप जो देख रहे हैं वाओ अमेजिंग। तो साथ में आपको और भी बताता चलूँ कि अभी जो टूर हैं वो भी इंशाल्लाह आगे लगेंगे हमारे। तो ये रेलवे स्टेशन है और इसकी ये जो बिल्डिंग है ये आप जो देख रहे हैं, और काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन बना हुआ है माशाल्लाह गुजरांवाला का। तो अभी मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और मैं घर से आया था, निकला था, तो सोचा था कि आज मोर इमनाबाद रेलवे स्टेशन की वीडियो जो है वो अपलोड करनी है।
तो जून का माह चल रहा है और शदीद गर्मी है। ईद भी आने वाली है इंशाल्लाह, ईद के ऊपर भी टूर करेंगे अगर मेरे पास टाइम हुआ तो। मैंने वैसे तो निकलना तो है ईद के ऊपर, अगर मेरा टाइम लगा तो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो साथ साथ मैं अपलोड करूँगा आपके साथ। और रही बात अगले टूर की, वो इंशाल्लाह आपके साथ लगेंगे करेंगे, लेकिन अभी मैं टाइम देखूँ कि कौन सी ट्रेन अभी थ्रू पास होने वाली यहाँ से, तो अगर मेरे होते हुए यहाँ पर थ्रू पास हुई तो आपको इंशाल्लाह वो भी मैं दिखाऊँगा। तो मैंने टाइम टेबल चेक किया है, अभी ट्रेन आने में काफ़ी टाइम मौजूद है, तो आपको जब ट्रेन नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई हो तो ज़रूर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करेगा ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो जैसा कि आपको मैंने दिखाया, बड़ा अच्छा प्यारा रेलवे स्टेशन है मोड़ एमनाबाद का। तो अभी आपसे लेते हैं इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।